सही आरती लो ना। जानती हो आज एक बात तो समझ आ गई कि ऊपर वाले के अपने कुछ अनोखे प्लान्स होते हैं जो हम जैसे तुच्छ प्राणियों को ना कभी समझ नहीं आते। मतलब ये कि अब मुझे समझ आ गया कि गिरजा के जाने के बाद मैं नागपुर ही क्यों आया, नागपुर में आने के बाद मैं तुमसे ही क्यों मिला, मेरे घर की सारी औरतें मुझ पर शादी का दबाव क्यों बनाती थी, क्यों तुमने जल्दबाजी में शादी का फैसला लिया और क्यों वो फैसला मेरे साथ ही लिया, मुझसे क्यों सवाल पूछा। ये जो कुछ भी होना सही क्यों हुआ वो सब मुझे समझ आ गया और ये कोई इत्तेफाक नहीं है सही, है ना? मैंने विराट की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, वो तुमसे ही प्यार करता है। तुम जिंदगी भर भागती रहोगी, वो तुम्हारे पीछे भागता रहेगा क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे दिल में उसके सिवा और कोई नहीं आया है। तब ना मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे खुद ही समझती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। सत्या, मैंने आज तक ना पूरी दुनिया का सामना खुद अकेले किया है, सभी को अकेले जन्म दिया, अकेले उसे पाला पोसा, और आज तक मुझे मेरी जिंदगी में एक मर्द की कमी कभी महसूस नहीं हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरी शादी करूंगी, फिर पता नहीं मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतनी कमजोर कैसे पड़ गई। मेरे हालात मुझ पर हावी हो जाएंगे ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं फंस चुकी थी, मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि दूसरी शादी करने के अलावा और कोई रास्ता है भी या नहीं। मैंने ऐसा क्यों किया उसकी वजह तो मुझे आज तक नहीं पता। मैंने अपने बेटे से जो वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी सही, और मुझे विश्वास है अगर तुमने ठान लिया है तो तुम कुछ ना कुछ तो करोगी। पापा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, पत्र लेखा की परवाह में मैं इतनी खो गई कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं खुद मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी एक गलती की वजह से सही और विराट की जिंदगी कैसे क्या हो गई। खैर, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जो कुछ भी होता अच्छे के लिए होता, और मैं इस बात से खुश हूं कि सही मैं भी... सत्या क्या कर रहा है, कंट्रोल कर खुद को। सही को ऐसे प्रपोज करेगा, दिमाग खराब हो गया तेरा। आई आप यहाँ? हाँ, तो विराट के लिए महामृत्युंजय का जाप करवा रही हूँ। नमस्ते आंटी जी। बड़ा है इसमें। ओ। महामृत्युंजय का जाप क्यों? वो आजकल मेरे मन में बहुत घबराहट सी हो रही है, ऐसे लगता है कि विराट के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। कल भी मैंने विराट के बारे में बहुत भयानक सपना देखा। सही, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ
महामृत्युंजय जाप के लिए बैठोगे? सिर्फ थोड़ी देर, मतलब आपको कोई आपत्ति ना हो तो। जरूर आई है ना? हाँ बिल्कुल। मैं बहुत देर नहीं कर सकता, मुझे सही को अपने दिल की बात बतानी होगी। मैं अब चलती हूँ, सभी को स्कूल से पिकअप भी करना है। मुझे माफ कर दो सई। क्या हुआ आई, माफी क्यों मांग रही हैं? आज जो तुम्हारा और विराट का हाल है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने तुम पे दबाव डाला था सई कि तुम दूसरी शादी कर लो ताकि मैं पत्रलेखा और विराट का रिश्ता संवार सकूं, और तुमने मजबूरन शादी कर भी ली। लेकिन भगवान को मुझे और ही मंजूर था ना सही, जिस पत्रलेखा का रिश्ता मैं संवारने जा रही थी, जिसके लिए मैंने तुम्हें कुएं में धकेल दिया, उसे पता था वही पत्रलेखा विराट विनायक उन सबको छोड़ के चली जाएगी। क्या हो गया तुमने देखा ना, आज विराट और विनायक दोनों की जिंदगी में कितनी उथल पुथल हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है। उनकी जिंदगी सिर्फ तुम सवार सकती हो बेटा। क्या कह रही हैं आप आई, मैं क्या कर सकती हूँ? आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूँ? मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ सई कि क्या तुम अब भी विराट से प्यार करती हो? देखो बेटा, भगवान के मंदिर में खड़ी हो, दिल पे हाथ रख के बताना, सच्चे दिल से बताना, क्या तुम सत्या के साथ जिंदगी बिताना चाहती हो या विराट के साथ? आई, अब इस सब का, इस सब बात का क्या क्या फायदा है? अब ये सब क्यों कह रही है? ये मेरी सत्या से शादी हो चुकी है, जो होना था वो हो गया है। अब इस सवाल के लिए बहुत देर हो गई है, घड़ी का कांटा उल्टा नहीं चलता, जो होना था वो हो गया, अब वो नहीं बदल सकता। लेकिन एक आई के दिल को कौन समझाएगा? सही, मैं सच कर रही हूँ, विराट के बारे में ना मेरा मन बहुत घबराता है सही। बार बार मुझे ऐसे एहसास होता है कि कुछ हो जाएगा, उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी गलती है, मैंने ही तुम दोनों का अलग किया। अब तो विराट ट्रांसफर लेने की भी सोच रहा है, वो ट्रांसफर ले रहा है। तुम्हें याद है ना, एक वक्त था जब मैं ही सब लोगों को कहती थी, जब भी तुम और विराट एक दूसरे से बिछड़ जाते हो, तुम दोनों में से किसी एक पर बहुत बड़ी मुसीबत आती है। सबके दिलों को समझाने वाली मैं ही थी, और मैं ही इस चीज को सबसे पहले भुलाने वाली हूँ। मैंने ही तुम्हें कहा था ना, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आया तो विराट जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करेगा। मैंने ही तुम्हें कहा था ना, कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से विराट के दिल में तुम्हारे लिए कोई भी उम्मीद ना बचे। मैंने ही कहा था ना। सब बातें करके क्या फायदा, क्या होगा? मुझे नहीं मालूम क्या होगा, मुझे कुछ पता भी नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ। एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए डर रहा है सही, बहुत डर रहा है। पिछली बार जब भी तुम विराट से बिछड़ी थी,
विराट बहुत खतरनाक मिशन पे गया था, हमेशा जाता रहा जब भी तुम उससे दूर हो गई। अब वो फिर से वही कर रहा है, मानो वो खुद की मौत की तलाश कर रहा हो। सब बर्बाद हो गया था सही, मेरी गलती की वजह से। आई प्लीज संभालिए खुद को, शांत हो जाइए प्लीज। आप निर्दोष है, आई आपकी कोई गलती नहीं है। कैसे आएगी तू सही, कौन सी मिट्टी से बनी है तू? हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, हमेशा दूसरों की खुशियां देखती हो, खुद के बारे में कभी सोचती नहीं हो, क्यों? बस अब मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारी खुशियां ढूंढो, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, और मुझे पता है तुम्हारी खुशी विराट में है। सही, तुम ही हो जो सबको खुशियां दे सकती हो, तुम्हारे एक फैसले से सबकी जिंदगियां संवारेगी और तुम्हारी भी। लड़की, गुड़िया की मदद कर देना, 3 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। तुम एक अकेली ने मेरी गुड़िया की मदद कर दी, भगवान तुम्हारा भला करे। अकेली तो मैं भी हो गई हूँ, मतलब सबके बीच में रहकर भी अकेली। देखिए मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही है, मुझे धोखा क्यों दे रही है, विराट को धोखा क्यों दे रही है? हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जिससे हम ना आगे जा पा रहे हैं और वापस लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आगे कोई मोड़ नहीं है, सब खाई खाई है, जिंदगी खत्म। लौट जाओ, कदम बढ़ाओ, रास्ता अपने आप नजर आएगा। तो क्या मैं अपने पहले पति के पास वापस लौट जाऊं? क्या कर सकती, मैं क्या चाहती हूँ? मैं ये फैसला तो मैंने ही लिया था ना, तो फिर मैं अपने लिए हुए फैसले से खुश क्यों नहीं हूँ? ये आई ठीक कह रही थी, आई ठीक कह रही थी कि मैंने कभी अपनी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं, हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचा। अगर मैंने हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचा तो दूसरे खुश क्यों नहीं है? कोई खुश क्यों नहीं है? कोई खुश नहीं है?
मेरी जान मेरे लिए पहेली बन के रह गई है। आज मैंने अपने दिल की सुनी होती, काश ये सही गलत छोड़कर मैंने अपने प्यार को चुना होता। चलो चलो बच्चा पार्टी, अगर सत्तू अंकल के हाथ का गरम गरम खाना खाना तो फटाफट रेडी हो जाओ, कम ऑन हरी अप। ये सई ने मैसेज पर बताया था कि उसको आने में लेट होगा और सभी को स्कूल से पिक कर लेना, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा लेट हो गया मैडम, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। अरे विनू बड़ा, आप आज आपको बताऊं, आज सत्तू अंकल हमारे लिए खाना बनाने वाले हैं, है ना विनू दादा? आप घर नहीं गए, यहाँ आपको किसने ड्रॉप किया? मैं तो डायरेक्टली सभी और सत्या अंकल के साथ यहीं पर आ गया। आपके बाबा आपको लेने नहीं आए? आज मुझे मोहित चाचू लेने आने वाले थे, लेकिन उनका कुछ काम आ गया तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं सभी के घर पर जा रहा हूँ, तो मुझे वहीं से पिक कर लो। आपके बाबा आपको लेने क्यों नहीं आए? आज पापा एयरपोर्ट जाने वाले थे, उनकी फेयरवेल है ना। विराट ने ट्रांसफर ले भी लिया। अरे सही, ये इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ चली गई? कुछ बात हुई है क्या सत्या? पता नहीं। विराट फोन उठाओ, विराट विराट फोन उठाओ। रिक्शा रिक्शा, सिविल लाइन्स, जल्दी। नहीं विराट, तुम ऐसे नहीं जा सकते, सबको छोड़ दो। फोन उठाओ विराट, फोन उठाओ। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।